जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? रेल में यात्रा करने वाला यात्री आखिर कहां सुरक्षित है? ना पटरी पर, ना फ्लाईओवर ब्रिज पर, फुटओवर ब्रिज पर। मुंबई में आज ब्रिज पर पैदल चलने वाले 22 लोग मारे गए हैं। इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी बड़ी बातें बता रही है नेहा। मुंबई में आज सुबह 10:30 बजे मौत की भगदड़ ऐसी मची कि अब तक मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर ये भयंकर भयानक हादसा हुआ, जहां फुटओवर ब्रिज पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। 39 लोग जख्मी, रेल मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच जो पश्चिमी रेलवे के मुख्य सेफ्टी कमिश्नर करेंगे। बारिश के बीच अफवाह फैलने से भगदड़ मची और अफवाह को लेकर भी 2-3 तरह की अफवाहें, जिसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते गए। मुंबई में रेलवे में भगदड़ के कारण ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ है। मुंबई रेलवे के इतिहास में ये काले अध्याय से कम नहीं। और सवाल ये कि क्या इस हादसे के बाद भी जागेगा रेलवे प्रशासन? अमन, बिल्कुल जागेगा या कोई सबक लेगा, क्योंकि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन अफवाह के कोई हाथ पैर नहीं होते। लेकिन अफवाह से ज्यादा कुछ घातक भी नहीं होता। मुंबई में अफवाह की वजह से 22 लोगों की जान चली गई, जबकि 39 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अफवाह का जानलेवा असर दिखा एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर, जहां आज एक बेहद भयानक दर्दनाक हादसा हुआ। ये भारत देश में जब मौतें होती है, लाशें गिरती है, तभी एक्शन लिया जाता है। प्रशासन तो यहाँ पे कुछ काम करने की उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। पीयूष गोयल जी अभी तो कम से कम अपनी आंख खोली है। ये ब्रिज के ऊपर कितनी पब्लिक आ रही है, कितनी जा रही है, मगर फिर भी जो है रेलवे प्रशासन को पता नहीं है ये हादसा होने वाला है। ये ब्रिज से जाने के लिए किसी को जगह नहीं था। ऊपर से पब्लिक है ना, जब प्रेशर दी ना नीचे दाबने का, तो यहाँ पर दबके सीधा आदमी दबके ही मरे। जितने भी मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर मची अफवाह ने जिंदगी के सफर को कैसे मौत के सफर में बदल दिया, ये समझने के लिए हादसे के वक्त स्टेशन के माहौल पर गौर कीजिए। सुबह हर दिन की तरह मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, लेकिन उसी समय मुसाफिरों के बीच एक अफवाह आग की तरह फैली। हादसे की पहली थ्योरी, पुल टूटने की अफवाह की वजह से हादसा। कुछ ऐसा ही है एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बना फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज के ऊपर एक शेड भी है और हादसे की बड़ी वजह इसी शेड को बताया जा रहा है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी। जाहिर है बारिश की वजह से लोग तेजी से फुटओवर ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग इस फुटओवर ब्रिज पर खड़े हुए भी थे। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान फुटओवर ब्रिज के ऊपर बना शेड का हिस्सा टूट कर गिर गया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि फुटओवर ब्रिज टूट गया है। एक के ऊपर एक दबे हुए थे, हजारों लोगों की भीड़ उस वक्त में यहाँ पर मौजूद थी। ये उन लोगों की भीड़ थी जो कि सेंट्रल रेलवे के स्टेशन परेल से या फिर वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन एल्फिंस्टन रोड से यहाँ पर आए थे, और बाहर काफी बारिश हो रही थी और किसी का कहना है कि पुल का एक हिस्सा टूट गया था। ये अफवाह उड़ी और जिसकी वजह से लोग घबरा कर भागने लगे और ये भगदड़ मच गई। पुल टूटने की अफवाह जंगल की आग की तरह मुसाफिरों में फैल गई। जिस किसी मुसाफिर के कान में यह अफवाह पहुंची वही तेजी से फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियां उतरने लगा। और उसी भगदड़ में कुछ लोग फुटओवर ब्रिज से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। वहीं कुछ लोगों के कुचले जाने की भी खबर है। मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज के पास जो हादसा हुआ वो जो मुख्य जगह है ये है। देखिए, जब यहाँ पर भगदड़ मची थी तब लोगों ने यहाँ पे एक सीढ़ी लगाई है। यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि संकरा ब्रिज होने की वजह से वहाँ कितनी भीड़ रहती है, वो भीड़ भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। और काफी संकरा ब्रिज है, और जब ये हादसा हुआ था
उस वक्त यहाँ पर अहमद मौजूद थे। अहमद, क्या हुआ था एग्जैक्टली? ब्रिज है ना, कोई भी स्टेशन का खाली नहीं था जिसमें पब्लिक ना रही हो, और यहाँ से जाने वाली पब्लिक नहीं जा पा रही थी, क्योंकि परेल स्टेशन से जितनी गाड़ी आती थी वहाँ से आती थी तो वो पूरा भरा था। ठीक है, ये ब्रिज से जाने के लिए किसी को जगह नहीं था। और यहाँ पर है देखो, आप जो नीचे है ना, ये नीचे पे कैसा, ऊपर से पब्लिक है ना, जब प्रेशर दी ना नीचे दबने का, तो यहाँ पर दबके सीधा आदमी दबके ही मरे, जितने भी दबे। हादसे की दूसरी थ्योरी, फिसलन की वजह से हादसा। इस पुल पर जिस वक्त हादसा हुआ, यहाँ पर तेज बारिश हो रही, उस बारिश से बचने के लिए कुछ लोग फुटओवर ब्रिज के ऊपर बने शेड में खड़े थे, तेजी से कुछ लोग पुल भी पार कर रहे थे। हादसे की दूसरी थ्योरी ये सामने आ रही है कि बारिश की वजह से कुछ लोग फिसल गए और इसी वजह से वहां भगदड़ मच गई। ऊपर की तरफ से देखिए एक बार, ये ऊपर की तरफ से लोग इतने आ रहे थे, इतने सारे लोग एक साथ यहां पर आ रहे थे, और उसी वक्त बारिश हुई और कुछ लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको भीगना नहीं था, और इसीलिए लोग कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और ज़्यादातर बाहर नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो नीचे का इलाका है जहाँ पे फूल वाला है इस वक्त, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भगदड़ मची और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाशें मिली। हादसे की तीसरी थ्योरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से भगदड़। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुल पार कर रहे लोगों के बीच अफवाह फैली कि रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस अफवाह की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई और फिर आम दिनों का ट्रेन का सफर मौत के सफर में तब्दील हो गया। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी किशोर मौजूद है। किशोर, क्या देखा आपने यहाँ पे? बारिश आया था, बहुत बारिश, जोर से बारिश आया था। उस टाइम का पब्लिक उधर जमा हो गया था। उधर से पीछे से कोई पब्लिक आया, लड़के लोग आया, बोला ब्रिज नीचे गिर रहा है, कोई बोला शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो सबका भागाभंग हो गया। भागमबाग से कोई गिर गया, कोई ऊपर गया, ऐसा हो गया। हादसे की चौथी थ्योरी, दमे के अटैक से मुसाफिर के गिरने की अफवाह। हादसे की पड़ताल में ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ लोगों के बीच अफवाह फैली कि दमे के अटैक से कोई मुसाफिर फुटओवर ब्रिज पर गिर गया। कहा जा रहा है कि इस अफवाह की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। कोई कह रहा है कि यहाँ पर किसी को दमे का अटैक आ गया और उसको निकालते वक्त में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और ये भगदड़ मची। किसी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर स्पार्क देखा कि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो गया है पुल के ऊपर, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। और किसी का कहना है कि पुल का एक हिस्सा टूट गया था, ये अफवाह उड़ी और जिसकी वजह से लोग घबरा कर भागने लगे और ये भगदड़ मच गई। हालांकि असली कारण क्या है इस भगदड़ मचने का, ये एक पुख्ता जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।